हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10 को क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और बेल आइकन को पुश करें, ठीक है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखिए किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए जरा। यहाँ पे 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, जो तो जो आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये फॉर्मूला, देखिए मैं आपको एक बेसिकली बात बता दूं कि इनवर्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर यहाँ पे इनवर्स लगा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के बाहर क्वेश्चन पे ये साइन इनवर्स लगा है, यहाँ पर ये इनवर्स लगा हुआ है, तो ये आप समझिए कि इस इनवर्स को हमें हटाना है। अब इस इनवर्स को कैसे हटाना है ये आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो साइन की, अब जैसे ये लिखा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा/1 प्लस 10 square थीटा, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा/1 प्लस 10 square थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब बस थोड़ा सा अगर इसमें माइनस का चेंज कर दें तो यही फॉर्मूला आपका टेन का बन जाता है, 2 tan थीटा/1 माइनस 10 square थीटा। देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्सिबल फंक्शन के अंदर हमेशा आपको ये देखना है कि इसके बगल में अगर साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स को हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना है। अगर टेन लिखा है तो टेन को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर साइन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर यहाँ लिखाएंगे लेट यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बराबर 10 थीटा, ये हमने मान लिया, ठीक। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या बनेगा, dx बराबर 10 थीटा का अवकलन होता है sec² θ d θ, ठीक है। dx की जगह sec² θ d θ आ जाएगा। अब अच्छा एक बात और, जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि अगर हमारे पास जैसे हम किसी चीज़ को लैटस करते हैं, मानते हैं, तो वहाँ पर लिमिट अगर दे रखी हो तो वह वैल्यू और रखते हैं। अब जैसे लिमिट हमारे पास क्या है, सबसे पहली एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें रखेंगे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 10 थीटा, यहाँ पर हम 0 रखेंगे 10 थीटा। अब हमें थीटा का मान निकालना। अब 10 थीटा में 0 मान किसका होता है, 10 थीटा में 0 मान किसका होता है, साइन 0 और कॉस 0, 0/1 यानी 0/1, एक का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, यानी आप लिख सकते हो 10 0 का मान 0 रहता है, ठीक है। 10 से 10 मैंने काट दिया, ये आ गया 0 इज इक्वल टू थीटा,
यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर थीटा का मान जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन दे रखा है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर वन हम सबमिट करेंगे तो ये आ गया टेन थीटा। तो टेन में ये वैल्यू होती है टेन 45, ठीक है, टेन से टेन काट दिया, ये आया 45 डिग्री। तो देखिए रेडियन में इसको लिखेंगे, रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन में लिखा जाएगा पाई बाई फोर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, पाई बाई फोर इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी लिमिट हो गई, ये आपकी लिमिट हो गई, मैं थोड़ा सा हाई लेटर से आपको बता दूं, ये तो आपकी लिमिट हो गई, ठीक है, ये ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या लिखेंगे सॉल्यूशन एंट्री के साथ, अब जीरो की जगह आप क्या लिखोगे, जीरो की जगह लिखोगे जीरो, जीरो ही लिखोगे क्योंकि जीरो ही निकल के आया है, और वन की जगह आप क्या लिखोगे, वन की जगह लिखोगे पाई बाई फोर, ठीक, वन की जगह लिखोगे पाई बाई फोर। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स है ही, लेकिन टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू क्या है टेन थीटा। देखिए बहुत समझने वाली बात है, बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वन प्लस एन स्क्वायर ये हो गया, अब डी एक्स ये रह गया, डी एक्स की जगह क्या लिखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया, ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसमें इंट्रीगेशन, जीरो टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया कि ये फॉर्मूला आपका साइन टू थीटा का है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका साइन टू थीटा का। यहाँ पर साइन इनवर्स अब, और ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन से ये इनवर्स काट दो आप, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो है जीरो टू पाई बाई फोर, टू मैंने बाहर लिख लिया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये जो टू बचा था वो मैंने बाहर रखा, ठीक। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करेंगे, यानी इंट्रीगेशन में आई लेट ठीक, आई माने होता है सबसे पहले इनवर्सिबल फंक्शन, ठीक है, आई और लेट, आई माने होता है इनवर्सिबल फंक्शन, एल मींस होता है लॉगरिथमिक लॉग वाले, ए मींस होता है अलजेब्रा वाले, टी मींस होता है ट्रिग्नोमेट्री वाले, और ई मींस होता है एक्सपोनेंशियल वाले, यानी ई पे पावर एक्स ए पे पावर एक्स, ऐसे फंक्शन लिए जाते हैं। तो आई लेट क्या कहता है कि जैसे मेरा नंबर आया है वैसे ही आप इनको इनको मानो। तो थीटा आपका आता है एल्जेब्रिक में और सेक स्क्वायर आता है, ठीक है, सेक स्क्वायर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ए पहले आता है तो इसलिए थीटा को पहले मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। टू लिखा मैंने, टू लिखने के बाद सबसे पहले प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस प्रथम पलन का अवकलन, ये आ गया, यानी डी ओवर डी एक्स थीटा, और फिर
दूसरे का समाकलन। ठीक है, यह आया, हम इसे बड़े ब्रैकेट में बंद करें, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, ये आ गया प्रथम फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा माइनस प्रथम फलन का अवकलन माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन, का समाकलन यानी एक बार समाकलन और आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। अब टू इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, और जीरो टू पाई बाई फोर लिखा है, इसका अब टेन थीटा का तो होता नहीं है, तो टेन थीटा का हम इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया थीटा इंटू टेन थीटा माइनस। देखिए साइन बट्टे कॉस में क्या होता है, एक वैल्यू है, अच्छे से समझिए आप। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, जैसे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो समाकलन में क्या कहते हैं, यदि किसी भी पद का अवकलन अंश में मिल जाए और पूरा पूरा मिले, यदि द्वारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी पद का अवकलन अंश में पूरा पूरा मिल जाए तो उसका समाकलन लॉग ऑफ हर होता है। यदि किसी पद का समाकलन, यदि किसी पद का अवकलन अंश में पूरा पूरा मिल जाए तो उसका समाकलन लॉग ऑफ हर होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका समाकलन लॉग ऑफ हर होता है। तो माइनस साइन थीटा करेंगे तो यहाँ पर एक निशान और आ जाएगा लॉग कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और जीरो टू पाई बाई फोर, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद टू, ये तो चले ही रहा है, इसमें लगाएंगे लिमिट। तो सबसे पहले पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर प्लस लॉग कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, ये हो गया। अब जीरो रखो इसमें, ये तो आपका, अब इसमें माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो जीरो टेन जीरो प्लस लॉग कॉस जीरो। ठीक है, ये आपका हो गया। टू लिखा पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर होता है वन, प्लस लॉग कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर होता है वन अपॉन रूट टू। ठीक है, लॉग वन अपॉन रूट टू, ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे कोई, क्योंकि इसमें सारे वैल्यू जीरो की है तो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, टू का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू इंटू पाई बाई फोर प्लस टू इंटू लॉग वन अपॉन रूट टू। ठीक है, टू से मैं ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया पाई बाई टू, और यहाँ पे लॉग वन अपॉन रूट टू आ रहा है, लॉग वन अपॉन रूट टू आ रहा है। अब यहाँ ज़रा समझिए, यहाँ पर जैसे ये लॉग लिखा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है लॉग का, लॉग एम पे पावर एन, तो ये होता है एन लॉग एम। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, इसकी आरएचएस को, इसकी आरएचएस में लिखा क्या है, इसकी आरएचएस में लिखा है एन लॉग एम,
तो यानी एन लॉग एम, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लॉग एम पे पावर एन को। तो जरा देखिए किस तरीके से इसको लिखते हैं, लॉग वन अपॉन रूट टू पे पावर टू, ये हो गया पाई बाई टू प्लस, अब लॉग वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग रूट टू का स्क्वायर, ठीक, लॉग वन का मान जीरो, ये जीरो हो गया। अब दो पे पावर एक बट्टे दो, दो से ये पावर कट जाएगी, ये आ गया पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ये इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इतना स्लोली समझाया है कि आपको समझ में अच्छे से आए। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से आपको दिखा दूँ और आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए ज़रा, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को बता दूं कि साइन इनवर्स इन्वर्सिबल फंक्शन जिसमें भी होता है उसमें आपको उस फंक्शन के साथ इन्वर्स फंक्शन को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है उस चीज़ को ज़रा समझो। यहाँ पर 2x लिखा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये फॉर्मूला ये होता है, जो मैंने ये फार्मूला आपके सामने लिख के बताया था कि ये फार्मूला आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन को हमें ख़त्म करना होता है, इसलिए हमने एक्स इजिकल टू टेन थीटा को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी मर्जी है तभी हम टेन थीटा रख रहे हैं, इस फॉर्मूले की वजह से रख रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद हमने और दूसरी बात, जब भी आप लिमिट को चेंज करोगे, यानी किसी चीज़ को मानोगे, तो उसमें आपको जो लिमिट गिविन है वो आपको रखनी पड़ेगी उसी फंक्शन में। अभी एक्स की लिमिट है, उसके बाद जब हम इस चीज़ को मान रहे, जैसे मैंने इसको माना एक्स इजिकल टू टेन थीटा, एक्स इजिकल टू टेन थीटा इसको माना, तो हम एक्स इजिकल टू जीरो लेंगे। हमने एक्स इजिकल टू जीरो लिया जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और एक्स इजिकल टू पाई बाई फोर लिखा जो ये लिखा है। फिर हमने एक्स इजिकल टू जीरो लिखा, इसमें लिखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स जीरो यानी टेन जीरो का मान थीटा जीरो होता है, और एक्स इजिकल टू वन लेंगे तो थीटा का मान पाई बाई फोर होता है, ठीक है, पाई बाई फोर, ठीक है, समझे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका अवकलन किया हमने, एक्स का डी एक्स हो गया, टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद देखिए, टू इंटू जीरो टू पाई बाई फोर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा फर्स्ट प्रथम फलन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव यानी सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन का समाकलन, यानी एक समाकलन और आता है इसमें, तो टू थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, माइनस थीटा का हो गया वन, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, ठीक है। फिर थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा को, अब टेन थीटा का तो समाकलन समाकलन फैक्ट्री में ही नहीं है, तो टेन थीटा का समाकलन नहीं है, तो इसको फिर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। साइन बट्टे कॉस हो गया, मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया भी था कि यदि किसी भी हर का अंश और हर होते हैं दो, तो जिसमें हर का अवकलन अंश में पूरा पूरा, हर का समाकलन, मैं गलत बोल रहा हूँ, हर का समाकलन अंश में अगर पूरा पूरा मिल जाता है तो उसका समाकलन लॉग ऑफ हर होता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ होता है कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा तो प्लस का हो जाएगा, थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा जीरो टू पाई बाई फोर। यहाँ पर हम पाई बाई फोर को रखेंगे थीटा की जगह, अपर लिमिट सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद लोअर लिमिट रखी जाती है, मैंने ऐसा पहला वीडियो में भी आपको बता दिया है। यहाँ पर पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर प्लस लॉग कॉस पाई बाई फोर, इसमें जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका पूरा कुछ जीरो हो जाएगा, पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला सेकेंड ब्रैकेट। फिर इसके बाद पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर वन होता है, लॉग वन अपॉन रूट टू, यहाँ पर टू का हमने मल्टीपल किया तो टू से फोर काटेंगे तो टू बार कटेगा पाई बाई टू प्लस टू लॉग वन अपॉन रूट टू। तो यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने, लॉग एम पे पावर एन, लॉग एम पे पावर एन, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो लॉग एम पे पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम।
देखिए यहाँ पे एन लॉग एम तो लिखा हुआ है, ये एन लॉग एम की पोजीशन में ही लिखा है, लेकिन हमने लिखा है लॉग एम पे पावर एन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो ज़रा आप लिख लीजिए। कैस एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक फॉर्मूला ये है जो मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये फॉर्मूला है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो पाई बाई टू प्लस लॉग वन का मान 0 होता है, माइनस रूट टू, टू पे पावर 1/2 गुणा दो, दो से दो कट जाएगा, लॉग टू ये हो गया। अब ये पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डीएक्स। यहाँ एक संकेत में लिखा है हिंट के रूप में, या हिंट के रूप में क्वेश्चन में लिखा है एक्स प्लस 2 इजिकल टू टी स्क्वायर, यानी इस ये कह रहा है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स एक्स प्लस 2 डी एक्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम पहले इसको एक्स, ये हमने लिखा है एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, फिर ये टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका अगर हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर 2t dt ये आ रहा है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट लगाओगे, लिमिट अगर लगाओगे तो कैसे क्या करोगे वो जरा समझो। यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, ठीक है, अगर हम लिमिट रख रहे हैं, इसमें रख दो आप तो, या इसमें रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक्स इजुकल टू 0, 0 हम रखेंगे तो एक्स प्लस 2 इजुकल टू टी स्क्वायर, तो 0 हम रख दे रहे हैं, 2 स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरी वैल्यू रखेंगे एक्स इजुकल टू 2। ठीक, एक्स इजुकल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा वो जरा आप समझिए। अब यहाँ देखिए जरा, एक्स इजुकल टू 2 तो इसमें रखना है मुझे 2 प्लस 2 इजुकल टू 2 स्क्वायर, तो 2 और 2 होते हैं 4, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा √4। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी एक्स इजुकल टू 2 रखने पर 2 और एक्स इजुकल टू 0 रखने पर √2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे हाँ, सॉल्यूशन देखिए, पहले तो लिमिट बदलेंगे, 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, बहुत सिंपल है। और 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 2। अब x आ गया, ठीक है, x ये लिखा है तो यहाँ पे आप लिख लो टी स्क्वायर माइनस 2, और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और dx की जगह लिखेंगे 2t dt। ठीक है भैया, बात समझ में मेरी आ रही है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, आप मेरे से सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 और 2, ये आपका आ गया टी स्क्वायर
माइनस टू, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अंडर रूट टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या होता है, टी पे पावर, देखिए टी स्क्वायर तो पहले से लिखा है, इस पर एक आधा पावर और है, तो आधा पावर अगर इसको ऐड करेंगे, आधा पावर और है इसमें, ये तो स्क्वायर हो गया, इस पर रूट वाला पावर और है, ये एक बट्टे दो और है, ठीक, एक बट्टे दो और है, तो ये हो जाएगा आपका, तो उससे ये कट जाएगा और ये टू टी डी टी, तो दो से ये भैया ये दो कट जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, ओ सॉरी, ये रूट है, रूट टू और टू, टी स्क्वायर माइनस टू, और टी ये और टी ये, तो ये हो गया टू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। बहुत सिंपल है, जरा देखना यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट टू और टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं, तो ये हो गया टू टी पर पावर फोर, और ये हो जाएगा फोर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले लगेगा रूट टू और टू में, टू टी पे पावर फोर लिखा है, ठीक है, और फिर लगेगा रूट टू टू फोर टी स्क्वायर डी टी, मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए टू, इसमें हम समाकलन लगाएंगे तो ये फाइव हो जाएगा अपॉन फाइव, माइनस इसमें भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा फोर टी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है। अगर लिमिट इसमें अलग लगाना चाहो तो इसमें अलग लगा लो, और नहीं तो दोनों को मैं एक साथ ही लगा दे रहा हूँ, क्या अलग और क्या अलग और क्या साथ में, ठीक है। रूट टू और ये टू, ठीक। अब देखिए जरा इसकी लिमिट को हम रख रहे हैं टू, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट टू पे पावर फाइव अपॉन फाइव, ठीक है, माइनस फोर इसमें भी रख दो, ये आपका हो गया एक लिमिट। अब माइनस लगाओ, अब इसमें लिखो फिर से टी नहीं, टी की जगह रूट टू लिखना, अरे देखिए जरा यहां पर रूट टू है, रूट टू पे पावर थ्री अपॉन थ्री, ये हो गया टू पे पावर फाइव, टू पे पावर फाइव होता थर्टी टू, तो लिखेंगे यहाँ पर थर्टी टू अपॉन फाइव माइनस, और ये होता है एट, ये भी हो गया बंद टू, तो रूट टू पे पावर में यहाँ पे देखिए रूट टू पे पावर फाइव अपॉन टू है, तो मैं इस पर टू पे पावर फाइव अपॉन टू ही लिख दे रहा हूँ, और इस पे आएगा टू इंटू थ्री पे पावर वन अपॉन टू, ये आ गया, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है, समझ पा रहे हो यहाँ पे मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, समझते जाना इसको, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा, यहाँ पर थर्टी टू है अपॉन फाइव, यहाँ पर थर्टी टू अपॉन थ्री, ये तो आपका ठीक है, थर्टी टू और टू का अगर मल्टीपल करेंगे तो सिक्सटी फोर हो जाएगा, ये 64 अपॉन 5 और यहाँ पर 32 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू, इस पर पावर 5 बाई 2 है, यानी 2 पे पावर ढाई, यानी 2 इंटू टू स्क्वायर और 2 पे पावर 1 बटे 2, यहाँ पर भी 4 इंटू 2, ये 2 पे पावर डेढ़ है, ठीक
एक यहां लिखेंगे 5 3 या 50, 5 3 या 15, 3 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19, और यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 या 15 और 1 16 माइनस, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2 अपॉन 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, थोड़ा सा लंबा ना ले जाके यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो 192 में से 160 अगर घटाते हैं कितना आएगा, 192 में यहीं लिख दे रहा हूँ, 192 में से 160 घटाओगे, 9 में से 32, 32 अपॉन 15 आ गया ये। अब सॉल्व इसको करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया 15 हमने, ठीक है, 15 एलसीएम लेंगे तो ये आपका 5 3 या 15, 5 3 या 15, 3 8 24, 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 8, 3 5 15, 5 8 40 अंडर रूट 2, ये आपका हो गया। अब इसमें देखो जरा, 32 अपॉन 15 माइनस 24 में से 40 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 अंडर रूट 2 अपॉन 15, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 16 बट्टे 15 माइनस 16 अंडर रूट 2 अपॉन 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 अपॉन 15 को हमने बाहर निकाला, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये इसका आंसर आ रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 2 रह रहा है ये, ओह सॉरी, यहाँ पर हाँ माइनस ही आ रहा है भाई, एक मिनट, ये 40 माइनस का है ये, तो ये माइनस का 16 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस का बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही देखिए मैंने बहुत इसको, अब देखिए जरा समझिए जरा इसको, देखो मैंने सबसे पहले ये लिखा 0 से 2 x रूट x प्लस 2 डी एक्स, ये इसका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है वो जरा समझिए, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर हिंट में इन्होंने दे रखा था, किताब में बुक में ही दे रखा था, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मैंने भैया बुक का ही लिखा, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पहले ही हमें बना के दे दिया। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, सबसे पहले हमने इसकी लिमिट को चेंज किया, क्योंकि अभी सारी लिमिट x की वैल्यू में है, फिर सारी लिमिट आपकी आ जाएगी, फिर सारी लिमिट आपकी जो भी हम मानेंगे उसकी वैल्यू में आ जाएंगी। तो हमने x की वैल्यू इसमें रखा है, x इज इक्वल टू 0, ये तो x प्लस 2 इज इक्वल टी स्क्वायर, इसमें 0 रखा तो टी स्क्वायर बराबर 2, तो टी बराबर अंडर रूट 2, यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसमें 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया, टी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 4 बन जाएगा, और रूट 4 का होता है x इज इक्वल टू 2, यानी दोनों लिमिट मैंने रखी, तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो रूट 2 आता है, और अगर अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 आता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही लिमिट चेंज करी पहले नंबर पर। आप जब भी किसी पद को मानेंगे, किसी भी वेरिएबल को मानेंगे, तो सबसे पहले यही काम आपको करना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 2 लिखा, अंडर रूट टी स्क्वायर 2t dt लिखा है, अंडर रूट 2 2, टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर देखिए अंडर रूट चढ़ा है तो टी स्क्वायर, इस पर पावर मैंने 1 बटे 2, 2 से 2 पावर कट गई, तो 2t ये और टी ये, तो 2t स्क्वायर बन गया ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2t स्क्वायर का गुणा किया तो ये आपका बन गया 2t स्क्वायर पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर। अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा वो जरा देखो, ठीक है,
समाकलन करेंगे तो समाकलन में किया तो 2t पावर 4 ये हो जाएगा 2t पावर 5/5, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद √2 ऑफ 2, तो ये आपका हो गया 4t2, तो इसका अवकलन करेंगे तो t³/t³। अब हमने लिमिट अलग अलग ना लगा के एक साथ लगा दी, 2 और √2, तो सबसे पहले लोअर लिमिट लगाएंगे और फिर उसके बाद अपर लिमिट लगाएंगे, तो 2 2 पे पावर 5/5 -4 2 पे पावर q/3 -2 √2 पे पावर 5/5, ये हमने सारी लगाई। अब लगाने के बाद जरा इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 पे पावर 5 होता है 32, 2 पे पावर 5 होता है 32, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 2 पे पावर q होता है आपका 8, तो 8 चौक होते 32, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद माइनस, इस 2 √2 पे पावर 5 लिखा है, यानी 2 पे पावर 5/2, यानी ढाई, तो ढाई को हमने देखिए कैसे लिखा, 2 ये लिखे, आधा ये लिखा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर 2 पे पावर 3/2 लिखा है, तो 2 ये लिखे हैं और आधा ये लिखा है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8√2 हो गया, और 4 दूनी 8, 8√2/3। अब यहाँ देखिए ये तो आपका सॉल्व हो गया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था, 5 और 3 का LCM होता है 5 और 3 का LCM 15, और 5 तिया 15, 3 बचा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19 192 आ गया ये। और फिर इसके बाद ये आपका आ गया 3, 3 का भाग हमने 15 में दिया, 5 बार गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ये आ गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये 192 में से 160 घटाए तो 32 आया, तो मैंने यहाँ 32 लिख दिया, 1/15 लिखा है, -24√2 -40√2/15 लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद 32/15 -24 में से 40 घटाए -16√2/15 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 16√2/15, तो 16 दूनी ये होते 32, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने 16/15 और 16/15 को बाहर निकाला, अंदर बचा 2+√2, यही आंसर है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़, मेरा मानना है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप मेरे को सीधा कमेंट्स करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, ठीक, तो आप मेरे को बताएं कि मेरी ये समस्या है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन।